नवगछिया में बीएसएफ जवान की पत्नी समेत दो की हत्या, बाथरूम से बरामद हुआ दोनों का शव। दोहरे हत्या को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में एक महिला और एक पुरुष का शव बाथरूम में बरामद। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में शनिवार की देर रात बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी समेत दो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस रविवार की अहली सुबह शव को बाथरूम से बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम संबंध को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। इस संबंध में पुलिस दो लोगों से पूछताछ कर रही है। अभिया गांव के स्कूल टोला निवासी बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी एवं पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू को नजदीक से गोली मार दी गई है। हत्या के बाद दोनों के शव को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को देकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। दोहरे हत्या को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम घटना की जांच के लिए एसएफएल टीम को लगाने की बात कही है। घटनास्थल पर एसडीपीओ दिलीप सिंह भी पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस दो लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सोए हालत में दोनों को गोली मारने की बात पुलिस कह रही है। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, मृतक के स्वजन एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की। अहमदाबाद में है बीएसएफ जवान की तैनाती। पुलिस बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की तैनाती गुजरात के अहमदाबाद में है। हत्या को लेकर पुलिस प्रेम संबंध बिंदु पर जांच तेज कर दी गई है, इसलिए सुबोध की हालिया गतिविधि का पता लगा रही है। स्थानीय लोग भी दबी जुबान से प्रेम संबंध की बात कह कर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। हत्या की जानकारी बाद मंडल परिवार के रिश्तेदार भी पहुंचने लगे हैं। आनन फानन में जांच के आदेश। मुख्य बातें यह है, गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में दोनों का शव बाथरूम में बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध को लेकर हत्या का दावा कर रही पुलिस। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रयास कर रहे हैं जानने का। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम आ जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को अनुमान लगेगा, ठीक है ना। कोई भी लोग जो हैं कुछ अभी बताने को नहीं तैयार हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है। ये घटना सर कितने बजे की है ये, और क्या आपको ये जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन घर वाले को पता 5:30 बजे पता चला है। गोली लगी हुई है, गोली लगने का निशान दिख रहा है हम लोगों को। या दोनों लोगों को गोली लगा है कि एक लोग? माँ बेटे नहीं है, एक पड़ोस का लड़का है और एक जिस घर की ये बाथरूम में है एक घर की महिला है। लगभग अंदाजा कुछ प्रथम दृष्टिया? प्रथम दृष्टिया अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, जो भी है आपके सामने है ही। थोड़ा और समय दीजिए तो क्लियर हो पाएगा। हमको इस बारे में कुछ, हम बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम नौकरी करते हैं। किसमें? बिहार की। तो कब पता क्या चला? हमको फोन किया। कौन? घर से हमारा किया वाइफ थी। क्या बताई? इस तरह का घटना हो गया। क्या घटना हुआ बताई होगी ना कुछ? अब लड़का जो है कि मर दिया है, लेटरिन रूम में है। कितनी जानकारी हमको मिला? कौन मार दिया? क्या पता नहीं। क्या आपके राहगीर से बगल के थी से क्या दुश्मनी है? अच्छा, क्या किसी से, कोई शक है? कोई दुश्मनी नहीं है हमको किसी से झगड़ा नहीं है किसी से। इसकी सूचना आपको कितने बजे मिली थी? 6 बजे। ये आपका ये लड़का है? कितना लड़का है आपको? लड़की
पढ़ाई कर रहे हैं क्या अभी? लगा दिया इधर से, उसको नहीं जाने दिया। अच्छा, कौन नहीं जाने दिया? कौन नहीं जाने दिया? माए सब घर वाले। वो घर वाला आपको नहीं जाने? हल्ला नहीं करने। अच्छा, हल्ला बोले नहीं करने के लिए। तो आपको कोई डाउट है, कोई शक है इसने हत्या की है ये? जो भी है बताइए आप। आपके भाई वो कौन थे? वो कौन थे आपके जो वो हैं? हाँ? आपका वो लड़का है जो मरा थे, जो मरा है? हाँ? वो मेरा लड़का मरा है। ये इनका कौन लड़का? अच्छा, दोनों माँ। आपका परिचय नाम क्या है? हाँ? छः बजे के अंदर। कब? पाँच छः बजे कब? सुबह या रात में? सुबह सुबह। आपको कैसे पता चले? लेटरिंग करने के लिए हमारी पत्नी यहाँ आई ना तो केवाड़ बंद था, और परसों इसका छठी हुआ है। किसका? हमारे पुत्र होकर वो बाल बच्चा हुआ है, तो हमने यहाँ से गया कहा कि वहाँ केवाड़ बंद है, के लिए अच्छा लेटरिंग करे थे। फिर 10 मिनट के बाद आवे से देखे थे केवाड़े बंद, तब हमारा कल के हम अलिए देखे थे केवाड़े बंद, तब हथौड़ी मंगेलिए, तब हथौड़ी लानी दिलके, तब ओकरा तोड़ लिए हजूर जैसे ऐसे देखे छे फरका के तो दोनों लाश पड़ गया। जब गोली के आवाज आए थे? जी ना, हमरा नहीं आयल छे, झूठ हम कहना बोल, हम है वहां दुआरे पर सुत लो। एक कल मतलब आज सुबह आप लोग जाने? जी। आपका परिचय? मेरा नाम अभिमन्यु प्रसाद भाई। आप कौन हैं? हम औरत का ससुर है। और इनके हस्बैंड कहाँ? इनका हस्बैंड BSF में नौकरी ड्यूटी पर है, सुबोध कुमार भारती उसका नाम है। वो यहाँ पे नहीं है अभी? जी ना। तब 3 बजे हम जागे तो फायर सुने, 3 बजे फायर सुने तो हम सोचे कि नहीं। अच्छा, 3 फायरिंग सुने थे आप? आवाज सुने थे आप? 3 बजे सुने फायरिंग, 3 बार। अच्छा, 3 बार फायरिंग हुआ था? 3 फायरिंग हुआ। 3 फायरिंग हुआ है? तीन फायरिंग हुआ, तब हम सोए हैं घर में, तो सुने तब सोचे कि कहीं गर्म कपड़ा भरे तो कहीं होगा, तब हम मतलब जब सवेरे उठ गया पूजा पाठ कर सब चल गया मंदिर। अच्छा, तो ये देखे कि रूम में लेटरिंग रूम में बांध है बच्चा था, इधर से लॉकिंग कर दिया, तब सब गार्जियन उसका। ये जानकारी आपको कितने बजे मिली थी? ये सुबह 5 बजे मिला। अच्छा, ये 5 बजे जानकारी मिली थी? जी। तो क्या आप क्या देखे? तलाश होते देखे। ताला आपके सामने टूटा गया था? हाँ, ये बाहर से, बाहर से लॉक था ना? बाहर से, बाहर या फिर अंदर से लॉक था? नहीं, अंदर से लॉक था, बाहर से लॉक। आवाज जो आप सुने तो आप आसपास ऊपर में गए होंगे, देखने के लिए गई होंगी ना? जिस समय आप गोली जो छूटा उसमें देख ना, गोली छूटा तो सोए ना, ये जो दिया सब चल गया कि पर का छूट लो जी, हमने उतना ध्यान दिए, हमरे बच्चा तो नहीं जाते, हम तो क्या पता है कि कहां गया ले गया, तो नहीं जाते हम देखे सवेरे, हम तो बंदे चल गए, ये देखे कि सब मरता वो ताला खोल रहे बाहर। अच्छा, वो अपने अकेले आप लोग नहीं थे? ना, हम तो देख रहे, इधर से देख रहे हैं। अच्छा, ये बोला क्या? ताला खुलने के बाद आप लोग को जानकारी मिली? हाँ, तो बोले कि हाँ ऐसे टू ऐसे टू है। अच्छा, तब हम मंदिर हमको बोले, हम बोलो देखने नहीं दिया, बोलो तो देखने नहीं दिया वहाँ।